अगर आपको पंछियों की जन्नत देखनी है तो भरतपुर चले आइए। भरतपुर की घना केवलादेव बर्ड सेंचुरी इस वक्त प्रवासी पक्षियों से गुलजार है। ठंड बढ़ने के साथ ही घना में प्रवासी पक्षियों की कलरव भी बढ़ रही है। ये पंछी हजारों मील का फासला तय करके यहाँ आते हैं। पक्षियों के आने से पर्यटकों की तादाद में भी इजाफा होने लगा है। लगातार दो साल कोरोना की भेंट चढ़ा पर्यटन सीजन इस बार अच्छा रहने की उम्मीद है। घना में इस वक्त कई प्रजातियों की सुंदर बर्ड्स देखने को मिल रही हैं। जैसे कि हमारा जो माइग्रेशन का टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है, सो अभी आप पार्क में जाओगे तो आपको काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स मिलेंगे। उसमें नंबर थोड़ा कम है पर स्पीसीज वाइज काफ़ी सारी हैं। जैसे अभी शॉबलर्स हैं, पिनटेल्स हैं, ग्रीन विंग टील्स है, उनके पीछे रैप्टर्स हैं, आपका ग्रेटर स्पॉटेड ईगल है, इंपीरियल है, बूटेड है, तो धीरे धीरे इनका नंबर बढ़ रहा है। और कुछ स्पेशल बर्ड्स हैं जो इसी टाइम पे आती हैं, जैसे कि यूरेशियन हॉबी है, अभी इस पार्क के अंदर काफ़ी बढ़िया संख्या में अपना सी ब्लॉक में दिख रही है, सो काफ़ी बढ़िया है उसके लिए देखने के लिए। माइग्रेटरी सीजन शुरू हो चुका है, लिहाजा पर्यटन में भी बूम रहने की उम्मीद है। इस बार पानी की अच्छी उपलब्धता के कारण पेंटेड स्टॉर्क काफी अच्छी तादाद में आए हैं। पर्यावरणविद अंसार खान को इस बार अच्छा सीजन रहने की उम्मीद है। देखो, हमें उम्मीद तो इस साल जिस तरह से पार्क के अंदर पानी भी है और बर्ड्स का नेस्टिंग कॉलोनी बनी है काफी सालों के बाद इतनी बड़ी, सो लग रहा है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट तो काफी ज्यादा संख्या में आएगा और कोविड के केसेस भी थोड़ा कम है तो होपफुली टूरिस्ट तो ज्यादा आना चाहिए। पर हम सोच रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल फ्लाइट भी चालू हो गई सो भरतपुर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पूरे इंडिया के लिए अच्छा रहेगा, टूरिज्म के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि लास्ट दो साल से टूरिज्म के लिए सबसे बड़ा वो इफेक्ट पड़ा है कि अपना किसी के पास काम वगैरह नहीं है। तो इस तरह से अगर ये चलेगा, इंटरनेशनल फ्लाइट चालू हो जाएंगी, डोमेस्टिक टूरिस्ट, तो पार्क के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है। घना हमेशा इंटरनेशनल टूरिस्ट और बर्ड लवर्स का पसंदीदा प्लेस रहा है। ऐसे में जबकि अब हालात अनुकूल होते जा रहे हैं तो उम्मीद है कि इस बार का पर्यटन सीजन घना के लिए कुछ बेहतर होगा। ईटीवी भारत के लिए भरतपुर से श्याम वीर सिंह की रिपोर्ट।